हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज का वीडियो है रिगार्डिंग मॉक्स। अगर हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कौन से मॉक्स देने चाहिए? तो इस टॉपिक पे काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों को। एक कमेंट सेक्शन में एक हमारे भाई हैं अनंत जैन, उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा मॉक हमें एग्जैक्ट लेवल प्रोवाइड करा रहा है, मतलब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चंस कौन से मॉक में हमें मिल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में रहते हैं, क्योंकि जब भी हम मॉक लगाते हैं हमारे मन में ये ज़रूर ये ख्याल आता है कि जो ये मैं मॉक लगा रहा हूँ क्या वो एग्ज़ाम लेवल है, एग्ज़ाम रेलेवेंट है, जैसे क्वेश्चन इस मॉक में पूछे हैं वैसे ही एग्ज़ाम में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या ये मॉक जो है ये प्रीलिम्स के लिए ही ठीक है, मेंस के लिए मुझे कोई दूसरा मॉक देना पड़ेगा, ये बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे मन में रहता है। तो इससे रिगार्डिंग ही आज का वीडियो है। तो मैं बताता हूँ आपको कि मैं कौन से फॉलो कर रहा हूँ मॉक, और मैं आपको बता दूँ मैं लास्ट 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ बैंकिंग की, और हर बार मेरे प्रीलिम्स क्लियर हो रहे हैं, और लास्ट ईयर मेरे मेंस भी क्लियर हुए हैं, और इंटरव्यू भी मैंने दिया हुआ है, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस साल मैं अगेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर PO एग्ज़ाम। तो मैं बताता हूँ मैं कौन से मॉक्स फॉलो कर रहा हूँ। तो पहले मैं प्रीलिम्स की बात कर लूँ। प्रीलिम्स में ऑलिव बोर्ड है, स्मार्ट कीड़ा है और प्रैक्टिस मॉक है। इनमें से हमें कोई दो तो हमें ख़रीदने ही हैं। इनका जो लेवल है ये थोड़ा सा मॉडरेट है या फिर मॉडरेट से हाई है, तो इनमें से कोई दो अगर हम लें तो ज़्यादा सही रहेगा, और ये प्रीलिम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और हमारे मेंस के लिए भी रहेगा। टेस्ट बुक को मैं नहीं गिन रहा गाइस इसमें, क्योंकि वो थोड़ा इजी लेवल है और हमें कॉन्फिडेंस तो देगा लेकिन वो फेक कॉन्फिडेंस होगा, और हम एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम दे के आएँ तो हम मुस्कुराने चाहिए ना, हम हंसते हुए निकलें बाहर, ये रोते हुए बाहर नहीं निकलना चाहता कोई भी ना। तो हमें इजी या फेक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे ऐसे मॉक तो देने नहीं हैं। तो टेस्ट बुक को मैं प्रेफर नहीं कर रहा इसमें। तो पहले जो 3 हैं OB, स्मार्ट कीड़ा या प्रैक्टिस मॉक, उनमें से कोई 2 आप ले लो, और गाइडली और ग्रेडअप हालांकि मैं इतना फॉलो नहीं करता था, इस साल ही मैं फॉलो कर रहा हूँ इनको क्योंकि मुझे सस्ते में पड़ गए थे, कोई स्कीम मतलब कोई ऑफ़र आया था तो गाइडली भी मुझे ₹100 के अंदर मिल गया था, और ग्रेडअप भी मुझे ₹66 के अंदर मिल गया था 1 साल के लिए, तो मैंने ख़रीद लिया था कि चलो ₹100 के अंदर है तो क्या बुरा है। फिर मैंने जब मॉक लगाए तो मुझे बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल लगे, इनके भी एग्ज़ाम लेवल ही हैं क्वेश्चन, मतलब इन्होंने अपना कंटेंट अच्छा किया हुआ है गाइडली का भी और ग्रेडअप का भी। तो अगर आपको एग्ज़ाम लेवल चाहिए तो गाइडली और ग्रेडअप है, और अगर आपको थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई चाहिए तो OB है, स्मार्ट कीड़ा है, प्रैक्टिस मॉक है, क्योंकि हमको पता नहीं ना हमारी कौन सी शिफ्ट होगी, हमारा कौन सा शिफ्ट में, क्या पता हमारी शिफ्ट ही टफ आ जाए, थोड़ी सी मॉडरेट आ जाए, कुछ कह नहीं सकते ना। तो आपको दोनों तरफ से तैयार रहना है, तो गाइडली ग्रेडअप में से कोई एक आप ले लीजिए और फर्स्ट 3 में से आप कोई 2 ले लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली OB ले लीजिए, स्मार्ट कीड़ा ले लीजिए। इस साल मैं प्रैक्टिस मॉक को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, और लास्ट ईयर मैंने किया था तो मैंने बोला इस बार स्मार्ट कीड़ा करेंगे हम, तो मुझे अच्छा लगा, स्मार्ट कीड़ा का लेवल मॉडरेट टू हाई है और बिल्कुल मेंस लेवल जैसा ही लगता है मुझे, मेंस के जो मैं इसके क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो। तो ये है गाइस प्रीलिम्स के लिए, और अगर मेंस की बात करूँ तो आँख बंद करके आपको OB लेना है और स्मार्ट कीड़ा लेना है। अगर आप PM ले रहे हो तो भी चलेगा, मैं तो नहीं फॉलो कर रहा PM, तो मैं ये 2 मैं सजेस्ट करूँगा आपको, स्मार्ट कीड़ा और ऑलिव बोर्ड। तो ये तो आपको मॉक के फॉर्म में मिलेंगे, और एक गाइडली का PDF है, IBPS PO और SBA PO का बंडल PDF है, वो भी बहुत अच्छा है, और मैंने उसको देखा है, ट्राई किया है और काफ़ी अच्छा है, तो मैंने ख़रीद रखा है उसको, तो ये भी मेंस की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो OB, मतलब OB और स्मार्ट कीड़ा के जो मेंस के जो मॉक्स हैं वो मेरे ख्याल से 10-10 ही हैं, तो अगर हमें अभी से शुरुआत करें मेंस की तैयारी करना तो हमें और क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो वो PDF गाइडली का जो है वो हमें प्रोवाइड कराएगा, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प रहेगी मेंस के लिए। तो ये मैं मेंस के और प्रीलिम्स के फॉलो कर रहा हूँ, और सेक्शनल के लिए मैं बताऊँ प्रीलिम्स में आपको अगर आप OB का ख़रीद रहे हो तो 1 मिनट में आपको बता ही देता हूँ जी। देखिए ये OB का है, OB में आप देखिए प्रीलिम्स के मॉक मिलेंगे, मेंस के मॉक, सेक्शनल भी मिल जाएगा, PO मेंस सेक्शनल भी मिल जाएगा इसमें, तो ये सेक्शनल की भी इसमें टेंशन नहीं है आपको, आप चाहो तो प्री के फुल मॉक दे दो, मेंस के फुल मॉक दे दो, या फिर सेक्शनल भी दे सकते हो, मेंस के भी सेक्शनल, प्री के सेक्शनल, सेम है गाइडली का, गाइडली में भी आपके
मेरे ख्याल से सेक्शनल है ना, सेक्शनल दिए हुए हैं ना, तो फुल लेंथ भी है सेक्शनल भी है। बायजू का भाई सेक्शनल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हैं, 10 सेट हैं, क्वांट के 10 सेट हैं, इंग्लिश के 10 सेट हैं और फुल मॉक है ही, और मेंस के भी ऐसे ही 10 क्वेश्चन और 10 सेट हैं। और बायजू में मैंने ये देखा है कि प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं। टेस्ट जोन हम सबको पता है थोड़ा हाई लेवल है, थोड़ा महंगा भी है, लेकिन मेंस के लिए यही अच्छा है, स्मार्ट कीड़ा और ओबी, या फिर प्रैक्टिस मॉक भी आप कर सकते हो फॉलो। मैं इन दोनों को ही कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इतना भी नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूँ ये चीज़। मैं लास्ट ईयर भी मेंस दिया था, मुझे पता है कि काफ़ी मॉक रह जाते हैं और अंत में तो आप जीके और इनमें ही लगे रहते हो। तो जो हमने मेंस की तैयारी बिफोर प्री का रिजल्ट आने से पहले की है वही फ्रूटफुल रहती है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया आप 6 महीने का करंट अफेयर करेंगे, और वही करना भी चाहिए क्योंकि वही ताज़ा ताज़ा याद रहेगा तो ही होता है। तो हमें मेंस की पहले से तैयारी करनी है, तो 2 मॉक मेरे ख्याल से बहुत सही है, ओबी एंड स्मार्ट कीड़ा टेस्ट जोन। और प्रीलिम्स के लिए एग्ज़ाम लेवल जो पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम लेवल तो गाइडली है, बायजू है, और थोड़ा सा अगर मॉडरेट जाना है तो आप ओबी जा सकते हो, पीएम जा सकते हो या टेस्ट जोन। टेस्ट बुक को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अभी मुझे पता नहीं है कि भाई उन्होंने लेवल कंटेंट अपना चेंज किया है कि नहीं, पर मुझे बहुत ईजी लगा और क्या बोलते हैं फेक फालतू का कॉन्फिडेंस मिल के कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो ये है आज का वीडियो गाइस, है ना। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा प्लीज़ आप लाइक करिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।